तुझको ऐसा लगे। बस गांव जाएंगे तो वहां पे शादी है ना। रहने दे, आज आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे वरना एक थप्पड़ लगेगी। तो आज है बच्चों की छुट्टी का दिन, तो सुबह सुबह तैयबा ने देखे अपने लिए एक मजेदार डिश तैयार की है। ठीक है, तैयबा का सुबह सुबह का नाश्ता हो रहा है, ऑरेंज और इसमें अमरूद है, साइड पे इसने चिप्स लगाए हुए हैं, ये भी चाट में खाएगी। और हमारी माओ का भी खाना तैयार हो रहा है, कह रही थी कि मुझे जूस चाहिए, इसको जामेश्वरी वाला पानी बना कर दी और साथ में इसके चिप्स रख के दिए। दिस इज फॉर यू, ख्याल करना दोबारा से कुछ ना नीचे गिरा दे। और इस साइड पर जो है ना हमारी माओ की चिकन बॉइल हो चुकी है। शाबाश, ये रहा आपका खाना। थोड़ा सा गर्म है, हल्का हल्का है वैसे, लेकिन इसको भूख लग रही है ना। सुबह सुबह इसको टाइम पे खाना ना दो ना, इसको बहुत ज्यादा भूख लगती है। दोनों मेरी शहजादी इस साइड पर बैठी हैं और इस तरीके का जो माहौल होता है तैयबा को बनाने का बहुत ज्यादा शौक है। अभी हालांकि अपना सुबह सुबह उठ के होमवर्क कर रही हूँ। आया था आपने थैंक यू बोला सिस्टर को? थैंक यू बेबा। इसको अमरूद पसंद नहीं है, अमरूद नहीं खाते। आपका हो गया या रहता है काम? थोड़ा सा रहता है, आज हो जाएगा। तैयबा को ये है कि संडे वाले दिन जो है ना हम जैसे घूमने फिरने के लिए जाएं तो इसके पास मतलब कुछ भी इसको काम दोनों एडवांस में करके रखती है अपना दिन बचाने के लिए। तो कल का ये अपना दिन बचा रही है, आज अपना सारा काम खत्म करके मोबाइल में इसका स्कूल का ग्रुप बना होता है क्लास का, जो कि डेली काम भेजते हैं उसमें, बस वही निकाल के अपना काम कम्प्लीट कर रही है। और हमारा दूसरा अभी तक सोया हुआ है, उठा ही नहीं है। ये वाला है, ये वाला हो गया, चलो गुड का। वो बेबी शार्क तो नीचे गिरा हुआ है, एक का धमाकी है, देखो इतनी सारी शार्क हैं। ये वाली मम्मी है। बेबी शार्क वेयर आर यू, हाउ डू यू डू। ओके मामी शार्क, मामी शार्क, मामी शार्क वेयर आर यू, हाउ डू यू डू। पूरी ग्रैंडमा शार्क है ये। Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark doo 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 doo. Grandma shark. Grandma shark. हाँ? Grandpa. Grandpa. अच्छा ये grandpa तो देखो फटा हुआ. Grandpa. Okay grandpa shark doo 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 doo. तो लो जी इसकी बहन अभी यहाँ पे गई। ये तैयबा ने बहुत अच्छा आइडिया सोचा है। ये वाला आइडिया तैयबा को कहाँ से मिला? ये और देखो सारा जो निकली हुई थी ना, तो तैयबा बहुत अच्छा की है। आपकी शार्क बहुत अच्छी हो गई। हाँ टिश्यू डाल रही हो? हाँ वो थोड़ा सा हल्का हो गया ना, टिश्यू डाल के इसको फिल कर रही है। हाँ, उसको किस कर रही है कि अब अच्छी हो गई है। पूरी शार्क फैमिली आयत की अब ठीक हो गई। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपने हस्बैंड की पसंद का कीमा। मेरा सुबह ये दिल था कि आज हम पुलाव बनाएंगे। पुलाव के लिए देखें खड़े मसाले और कुछ ये चीज़ें मैंने निकाली भी थी, दही भी सब कुछ था। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं आज कीमा ही पकेगा, तो यहाँ पर मसाले सारे तैयार हो गए। अब जल्दी से खाना तैयार करते हैं। बाकी किचन की हालत कुछ इस तरह की है, सुबह के कुछ बर्तन है, एग बॉयल किए थे वो पड़ा है, और अभी जो मसाले कट किए हैं ये भी थोड़ा बहुत रह गया, इसको क्लीन करना है। अभी टमाटर, हाँ टमाटर भी रह गए। हरी मिर्ची का जो है ना मैंने पेस्ट बना लिया, हरी मिर्ची का सारा हम बनाएंगे। ग्राइंडर जो है ना हमारा इतना अच्छा नहीं है, सही से देखो सेंटर में रह जाता है। इसको मैं जितना घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके ग्राइंड करती हूँ ना, फिर भी अंदर का जो पार्ट है ना रह जाता है, ये सही से ग्राइंड नहीं करता। तो ये गुजारा चल रहा है, जब नया घर हम लेंगे तब ये नई चीजें लेंगे। और हमारी आयत भी अब जाकर सो गई है, ये घर की हालत करके सो गई है। सुबह सब कुछ साफ किया था सर, और टाइम अब बज रहे हैं तकरीबन 2 बज रहे हैं। हाँ। तो अभी हमने राइडर से थोड़ा बहुत सामान मंगवाया था, तो तैयबा जो है ना मम्मा के लिए मेरे हर एक चीज संभाल के रखती है, नीचे से सामान भी ले आई और पैसे भी बना के बैग में रख रही है। और जब मुझे मांगने होते हैं तैयबा मुझे टाइम पर उठा कर देती है। असलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, और वेलकम है आपका हमारे इस खुशियों भरे ब्लॉग में, खुशियों भरे घर में। और इनशाला नया घर भी आ जाएगा, उससे रिलेटेड आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए नए घर के लिए, मुझे दुआएं दे रहे थे
और बहुत अच्छा लगा, किसी को रिप्लाई नहीं भी कर पाती तो उनका दिल से थैंक यू सो मच हमारे इस व्लॉग में। और बाकी सलाम कर दे तो व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया, किचन का सारा काम खत्म करके अभी मैं फ्रेश होके चेंज करके आई हूँ और मेरे हस्बैंड रास्ते में थे तो मैंने उनको बोल के रोटी मंगवा ली और बाकी दिन भर की जो भी रूटीन होगी फिलहाल आपके साथ शेयर करूंगी। ये था हमारा छोटा सा एक व्लॉग का इंट्रो, इंट्रो देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे की रूटीन शेयर करते हैं। आपके पापा कहाँ जी? दोनों की डॉल खुल गई, अपना वाला तैयबा दे दो, ये वाला भी रख दो जिसमें सेल नहीं है, फिर आपके लिए पापा सेल ले आएंगे। ओके, वाह ये तो बहुत अच्छी है। तो ये आयत और तैयबा की डॉल्स हैं जो इनके पापा दुबई से लाए थे, आज इनको सेल मिले, एक के दूसरे के सेल है नहीं तो इसके साथ फिलहाल खेल रहे हैं। और बाकी इसके अलावा हमारा सालन ये देखें तैयार हो गया, मजेदार सालन, और मेरे हस्बैंड भी आ गए रोटी लेकर तो सबको अब देते हैं। एक मिनट आ रही हूँ। चलो अब खाना तैयार हो गया, तैयबा आ जाओ, शाबाश, हैंड वॉश करके जल्दी से आओ, हैंड वॉश करो सबके सब, चलो जल्दी से जल्दी। हैंड वॉश करके आई हो? आपने हैंड वॉश किया? दोनों ने रेस कैसे लगाई हैंड वॉश करने के बाद? आपको किस बात की खुशी है, किस बात की खुशी है? और आराम से बैठ के खाना खाओ तैयबा, आप भाईजान के साथ आ जाओ आगे। और ये आपके मम्मी पापा का है, सही है? आप तो बच्चों से भी ज्यादा लेट करते, एंड में वॉश, हैंड वॉश करके यही आते एंड में। चलो बिस्मिल्लाह करें, आपकी और हमारी प्लेट एक ही है, हम एक प्लेट में खाना खाएंगे। सही, कैसा बना मुस्तफा सालन? तैयबा कैसा बना? आज कैसा बना? कुछ भी नहीं बना, आप बताओ? अच्छा, इन हाथों ने बनाया। इन हाथों ने बनाया, गब्बर के हाथ, इन इतने प्यारे हाथों ने आपके लिए खाना बनाया, कहते गब्बर के हाथ। तो मेरे हस्बैंड को जो है ना अभी कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी से देखे मैंने उनके लिए चाय तैयार कर दी है, खाने के बाद उनको भी मेरी तरह आदत है। शुक्रिया। चाय आपके लिए। किसको थी? 21 को थी। मतलब वो जो उस दिन आपने बताई है वो गुजर गई, अब एक और शादी आ गई है, शादियां शादियां आ रही है आपके दोस्तों की, हमारे कोई दोस्त ही नहीं है। और ये रहा मेरी चाय का कप, मैं अपना कप इधर ही छोड़ गई थी। तो इनको मैंने इतनी मज़ेदार गर्मा गर्म चाय बना कर दी है, पहले मुझे कह रहे थे कि मुझे कहीं काम से जाना है, अब कह रहे हैं कि शादी, मतलब शादी भूल क्यों नहीं रहे आप? शादी किया तो जा रहा हूं। अच्छा, मतलब ये नहीं रुकेंगे, ठीक है आप जाओ, मैं ना आपको कोई आज कपड़े धो कर देने वाली हूँ। वो भी नहीं करके दूंगी, ना जूते पॉलिश करके दूंगी, ना आपको कपड़े प्रेस करके दूंगी, ना धो के देने वाली हूँ, खैर धुले हुए तो पड़े होंगे, धोने नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ इस्त्री नहीं करके जाना। ये शादी से कहीं और तो नहीं जाना? क्या करोगे शादी में जाकर? वहाँ पर शादी में, इनवाइट किया तो वहाँ, हाँ शादी में वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ देखने को मिलेंगी, यही होता है सबका। आपकी हाँ, और दूसरी बात, आपको जो शादी पर, जिस शादी पर आपको इनवाइट किया गया वहाँ पर तो फैमिली अलाउ नहीं है। और पापा की वॉर हो रही है कि पापा जाना चाहते हैं अपने दोस्त की शादी में, लेकिन मम्मा नहीं जाने दे रही। आप किसकी साइड पर हो? मैं तो दोनों की साइड पर। कपड़े जो ना वो छुपा के रखे, कपड़े ढूंढ कर रखे। पापा के पास अभी कॉले पे कॉले आ रही है, बेचारे पापा भी बहुत ज्यादा परेशान है। गाइस आप सपोर्ट कीजिए पापा को। कोई गाइस इसको सपोर्ट मत करना, पर दुबई में कहते, दुबई में था जब मुझे कार्ड मिला है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ दाल में कुछ, पूरी दाल ही काली है। देखा देखा, खुद ही कह रहे मुस्तफा, आपके पापा खुद ही बोल रहे दाल में पूरी काली है। तो मैं कपड़े नहीं देने वाली, और मैं धोबी से जाके ले आऊंगा रेंट पर। एक सूट ही पहनना है, एक टाइम ही पहनना है। तो अभी हम वापस आए हैं घर देखकर और घर की बात बात करके, क्योंकि आपको पता है कि घर की बात भी साथ साथ चल रही है, और उसका व्लॉग फिर मैंने शूट नहीं किया डेली, क्या मतलब, अभी तो मैं आपको दिखा भी नहीं रही, जब तक हमारा डन नहीं हो जाता सब कुछ तब तक आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती, और जैसे ही डन होगा इंशाल्लाह ज़रूर गुड न्यूज़ दूंगी। अभी मुसफ़ा मेरे लिए पानी का गिलास लाया, बहुत प्यास लग रही थी। बातें कैसे कर रही, क्यों
ये क्या किया मुस्तफा आपको भी नहीं किया देखो ये देखो इसको थप्पड़ लगा सॉरी कर रहा भाई जान आई सॉरी पहले इतना ज्यादा बोल रही थी अभी बातें नहीं कर रही और यहाँ दूर से देखे कौन दिख रहा है आपके पापा से नहीं आखिर सबर हुआ नहीं सबर हुआ शादी पे जाते रहे कहाँ से मिले कपड़े आपको ढूंढ लिए ना आज आप नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे वरना एक थप्पड़ लगेगी तो मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल और मेरे हस्बैंड मेरे कंट्रोल से अब बाहर हो चुके हैं मेरी कोई भी बात नहीं मान रहे तो मैं मतलब इनको जितना मैंने मना किया है आखिर उन्होंने कहा कि मैं शादी पे जाऊंगा तो जाऊंगा जितना अपना सर मार लो दीवार में कुछ भी कर लो जो आदमी बोलता है मैंने करना है तो करना है तो करके रहेगा मेरे कंट्रोल से सच में ये बाहर हो गए शादी तो अटेंड करनी पड़ती है ना कोई इनवाइट करे तो साथ जाना तो फिर मुझे साथ में क्यों नहीं ले जाते आप लोग सर्दी है क्या जाके अच्छा। नहीं वो बोलो ना कि फैमिली अलाउड नहीं अब सर्दी वाली बात कहाँ से आ गई रखो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं इनके पापा तो जा रहे हैं हम चलो ये वाला काम कर लेते हैं इसको मतलब जब हम गांव थे ना ये तब आया था और ये भिजवाया है माही जैन की तरफ से आया है लाइफ विद माही जैन का यूट्यूब का चैनल है और ये हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर है और बहुत ज्यादा इन्होंने हमारी सपोर्ट में वीडियोस भी बनाई है और किसान आए थे तो इनके लिए गिफ्ट उन्होंने यहाँ पर पैक करवा के भिजवा दिया हम यहाँ पर नहीं थे हमसे मिल नहीं सकी तो गिफ्ट पैक करके भेजिए मैं वो खोल रही हैं हाँ तो और कौन सा स्टाइल जब लड़के होते हैं सीधा 5 मिनट में ठप हो करके सीधा खोल देते हैं इसकी आवाज आएगी आवाज करे थोड़ा दूर से हाँ चल ASMR फेल हो गया मैं इस साइड से भी ये खोलो 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 ओ माय गॉड ये क्या है आयत को देखो ओ ये गिफ्ट आ गया आपका बना मुझे एक साथ लेकर बैठो हम थंबनेल बनाते हैं थंबनेल अच्छा आएगा मुझे दिखाओ वीडियो में ये इतने प्यारे प्यारे चमकीले गिफ्ट आए ऐसे करो ऐसे सब पिक्चर ये देखो हमारा प्यारा हाय अदर ने मुंह पे किया हुआ है हम ऐसे रखते हैं अपने गिफ्ट जैसे वीडियोस में नहीं होते आए इधर आ जाओ इधर आ जाओ अब ये हमारे इतने सारे गिफ्ट हैं देखो इतने ज्यादा गिफ्ट आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है पूरे इतने सारे गिफ्ट कहां से आ गए ये हमारी बहुत ही प्यारी सी सिस्टर है माही जैन चलो क्या हो रहा है पहले जो जिसके हाथ में जो लगता जाएगा ना पहले उसका खोलेंगे कि क्या निकला है मेरा ये है मुस्तफा का ये हर कोई अपना अपना आप यूज कर रहे क्या निकलता है गेम की तरह है ना इसने देखो आपके पापा ने सबसे बड़ा वाला उठाया है उसमें मेकअप होगा पापा मेकअप करके शादी पे जाएंगे अच्छा देखो शादी पे जा रहे थे अभी हमने अपना माहौल बनाया ना तो कपड़े वपड़े छोड़ के हमारे साथ आ गए देखो तैयारी में लगी देखो देखो मेरे में क्या निकल रहा है मुस्तफा वाले में है क्या है क्या है मुस्तफा वाले में कुछ है मुस्तफा आपका तो नहीं है ये मेरा है ये मेरा है ये आपका है ये दिमाग है पांडा का है पापा का चलो पापा का बड़ा डब्बा खोल रहे हैं जो पापा ने शादी मेकअप निकला तो पापा शादी पे मेकअप करके जाएंगे शादी पे मेकअप करके जाएंगे हाँ ठीक है लिपस्टिक लगा देंगे ब्लशर लगा देंगे ठीक है हमें मंजूर है अगर आप शादी पे जाना चाहते हैं तो तैयार होके जाएंगे मेकअप नहीं है कुछ और निकल आया है तो पापा की मर्जी पापा जिसको दे सबसे पहले आपके लिए मेरे ख्याल से सोन हलवा है हाँ चलो पापा ने काम की चीज ले ली पापा के लिए पेट फूड है नहीं पेट फूड कह रहा हूँ ये तो चॉकलेट था हाँ ये देखो ये सोन हलवा आपके पापा का फेवरेट देखो आपके पापा ने सिलेक्ट किया इसमें जो है ना कुछ बच्चों की कलर्स है ये मुझे दे हर वक्त तही बाले लेती है ये पजल्स वगैरह सब शेयर करूँगी तो ये तही बाले की ये देखो तही ये भी बहुत अच्छा वाह ये तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है तैयबा देखो ये क्या चीज है इसमें सारे स्टिकर्स हैं तैयबा अच्छा। ये सब स्टिकर्स हैं ये देखो और अब ये देखो अब चुटकी के काम देखो लगाओ पहना सकती हो डॉल को ज्वेलरी पहना सकती हो स्टिकर वाली ये देखो इनको भी स्टिकर से पूरा फिल कर सकती हो बहुत इंटरेस्टिंग कलर अच्छा इस तरीके से
लेकिन इसमें स्टिकर भी है ना। हाँ, स्टिकर है सारा, सारे बैग पहना सकती हो अपनी डॉल को, इसमें ज्वेलरी पहना सकती है, बैग पहना सकती है, देखो हाँ आप ये सब कुछ अपनी डॉल को पहना सकती हो। चॉकलेट है, मैं पहले इसको पेट फूड समझ रहा था। अच्छा ये चॉकलेट है, ये तो फिर तीनों शेयर कर सकते हैं। कई बार आए, कई बार ने जो है ना ये वाला सिलेक्ट किया कि इसको जो है ना खोलते हैं। मेरे पास कितना सामान जमा हुआ है, सिर्फ दो चीजें और ये भी जमा हुआ है मेरे पास। अच्छा एक काम करो, सारा आप ले लो। हाँ ठीक है भाई, को शेयर करना थे। ठीक है, इसमें है लोशन सबसे पहले है ना। हाँ। इसमें और ये कनाडा की सारी चीजें हैं, किचन वगैरह चुका है। इसके अंदर मेरे काम की चीजें हैं। नहीं आपके काम की नहीं है, तैयबा आया की ड्रेस है। देखो कितनी प्यारी ड्रेस है, तैयबा का मुंह बना था कि तैयबा की इतनी ज्यादा चीज नहीं है। देखा अब हैप्पी हो, ये भी है। हाँ ये बहुत प्यारा है, अभी तैयबा के मुंह पे स्माइल आ गई है। तैयबा की चीजें ज्यादा हो गई, मुझे रोना आ रहा है। अचानक किस्मत आसमान से नीचे गिर गई, कुछ अच्छा दिख रहा है। इसके अंदर भी सूट ही है, इतना देखो मुझे आज तक नहीं। ये आपके पापा का सूट है, सूट है वो भी जे डॉट का। तो ये है बॉडी क्रीम, अच्छा ये मिस्ट है। थैंक यू सो मच मैविश आपका, आपने इतने ढेर सारे हमारे भिजवाए, तो इतना सारा कचरा ये तो निकालते हैं, तो थैंक यू सो मच आपका दिल से, आपने हमारे लिए इतना सोचा। और मैंने उनको यहाँ पर जब आई थी उनको इनवाइट भी किया था, बस ये था कि उस टाइम पे उनको टाइम नहीं मिला जब मैंने उनको इनवाइट किया, फिर हम गांव चले गए तो वो फिर कनाडा चली गई थी, बस ये। और फिर अब हम भी उनके लिए पार्सल भेज रहे हैं, ये रहा पार्सल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना हम कभी कनाडा जाएंगे तो मैं उससे जरूर मिलेंगे। सारे कलर्स निकले, ओह माय गॉड, इसमें सारे पेपर हैं। इधर इस वाले ट्रिप चलो। नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। इसको पहले हम लोग जो है ना इधर रखते हैं। बाद में दूंगा, अभी दे दो ना मुझे। दे दो वो है ही इसके लिए, बहुत अच्छा है कलर, घर को कलर करेगी, दे दो। नहीं पेपर है उसमें छोटी छोटी वो बनी हुई है ड्राइंग, आराम से करती रहेगी। और इसके अलावा जो मैं कब से देख रही थी कि इस बॉक्स में क्या है, तो ये टॉयलेट स्प्रे है, और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है ना, इसको हम अपने टॉयलेट में यूज करेंगे वॉशरूम के लिए, तो बहुत प्यारी खुशबू है इसकी सच। लेकिन ये वाले जो पहले हमने गिफ्ट अनबॉक्सिंग किया वो अलग थे, वो मैविश की तरफ से और थे, और ये दुबई से आए हैं जो कि मेरे हस्बैंड लेकर आए थे वहाँ से, कुछ मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे, मैं क्या बोलूँ उनको, कुछ मेरी सिस्टर की एज की, कुछ मेरी सिस्टर की, कुछ मेरी अम्मी की एज की है, जिन्होंने ये सारी चीजें मेरे लिए भिजवाई है। खूबसूरत सा है तैयबा, देखो आपको पसंद आएगा, वैसे तैयबा के लिए भेजा होगा ये, देखो ये भी मेरा हो जाता है भाई आपके लिए, आपको पसंद है। हाँ तैयबा को तो बहुत प्यारी प्यारी, आज तैयबा का दिन है मेरे लिए, ये इसकी तो आयत की मंकी से अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है। नहीं ये मेरा है, ये भी वहीं से ही आया है, ये भी दुबई से आया है, ये बहुत अच्छा। नहीं मेरा है आयत का वो जूडोल का पहले नाम रखा था, बाद में ऑस्ट्रेलियन एक बॉलर का नाम जंपा था तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसका नाम भी जंपा रख दिया। एक हमारे घर में था जब मेरा यूट्यूब चैनल था, उस टाइम पे नहीं था यूट्यूब चैनल, उस टाइम था लेकिन मैं इतना एक्टिव नहीं रहती थी, मतलब 2 साल पुरानी बात मैं बता रही हूँ। तब इस ऐसा था मुस्तफा का, मुस्तफा उससे इतना प्यार करता था, मतलब कुछ पढ़ रहा है रीड कर रहे हैं, हाँ आपको अच्छा लग रहा है ये पढ़ो पढ़ो, जैसे मिस्टर बीन की तरह सेम उसको वैसा रखता था, हाँ आपको पसंद है आप पेस्ट करो, वैसे ऐसे सर घुमाता था। और वो सारा दिन इसके साथ रहता था, जूडो सोता है कहीं जाता है वो ऐसा था बिल्कुल, और वो इतना गंदा हो गया उसको यूज कर कर करके एंड में उसको फेंक दिया था, ये उसके लिए रोता था। हालांकि मैं बहुत दफा मैंने इसको वॉश करके दिया था घर, तब वैसे हमारे छोटे छोटे मकान थे और फर्श भी उसका इतना अच्छा नहीं था तो बहुत जल्दी गंदा हो जाता था। तो अब देखो आपको वैसा मिल गया, चलो अब ये मेरा हो गया। ये भी बहुत प्यारा गिफ्ट है, तो थैंक यू सो मच आपका जो मेरी आयत के लिए आपने ऐसे मंकी भेजे हैं। आ रहा होगा तो इसी से पूछेगा कुछ पढ़ाई करेगा, गांव जाना होगा तो इसी से पूछेगा गांव चलें, फिर सार हिलाएगा हाँ चलें नहीं चलें।
तो अब हम अपनी माँ को पहनाने वाले हैं उसके लिए जो खूबसूरत सा गिफ्ट आया है। नीचे से बंद कर, इतनी प्यारी लग रही है। देखो दिखाओ दिखाओ माँ, दिखाओ आए दिखाओ तो सही। माँ को छोड़ नहीं रही, वो सब माँ को तो देखो, माँ को तो देखो आयत। चलो अब हमारी माओ भी देखो सज संवर की, मंकी से डरेगी माओ, मंकी से डरेगी। ये देखो माओ, आपका न्यू फ्रेंड लाए हम। ये देखो माओ, माओ देखो देखो देखो, नहीं भाग रही है, भाग रही है नहीं, ये गई भाग के। ये ठंड में वैसे हमें काम आता, उधर सर्दियों में ले चलते ना गांव में। तो मुस्तफा ने जो है ना इनको कलर और एक पेपर आयत को निकाल कर दे दिया है। तैबा और दोनों साथ में मिलके कलरिंग कर रही हैं साइड पर, और फुट वाले जो है ना, फुट वाला हिस्सा, पाँव वाला, ये हमारी आयत ने कलर किया ये। तो आयत को जो है ना ये चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसको ऐसी चीजें दे दो ना तो मोबाइल से भी दूर रहती है और ये सब करती रहती है। और दूसरी साइड पर देखिए मेरे हस्बैंड कैसे तैयार हो रहे हैं। हाँ लग तो प्यारे रहे, अब क्या करें, तारीफ तो करनी पड़ेगी। लग तो अच्छे रहे लेकिन हमारे साथ जाते तो ज्यादा प्यारे लगते। देखो अगर हम साथ में चलते ना, साथ में अब ज्यादा मेरे प्यारे लगते। मैं तो हूँ ऐसी गांव वाली, सीधी सादी सी, शादी में लेकर जाएंगे सीधी सादी बीवी, ऐसी कहाँ से आ गई है ना, यही वजह आ गई, यही रीजन है ना, फैमिली अलाउ नहीं है, यही रीजन है कि मैं, जब आप मुझे बोलते ना मैं बहुत अच्छे से तैयार होती, प्यारी तैयार होती। दिल मेरा क्यों परेशान है, देख के तुझको ऐसा लगे। बस गांव जाएंगे तो वहाँ पे शादी है ना। रहने दे, आपका दिल मेरे लिए कभी भी नहीं करेगा कि इसको साथ में कहीं भी फंक्शन साथ में अटेंड करो। गांव जाओ, गांव जाते ही आप मुझे कहाँ टाइम देते हो, आप फिर आप मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हो, मुझे कहाँ टाइम देते हो। खैर रुके नहीं, तैयार हो गए, अब जब तैयार हो गए तो इनको खुशी खुशी हम रवाना करते हैं। तो खुशी खुशी जाओ। और दूसरी बात मुझे ये भी, इन्होंने कहा है कि साथ में बाबर और दिलबर भी जा रहे हैं, तो मैं राजी हूँ। ऐसे हाथ करके दिखाओ। अब जो है ना मैं राजी हूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना बाबर दिलबर के साथ जा रहे हैं। तो ये अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ जा रहे हैं। अकेले आप जाने कहाँ रहे थे? हाँ उन्होंने साथ जरूर, उन्होंने बोला कि मैं, हम साथ चलेंगे, इसका कोई प्लान नहीं था, उन्होंने बोला कि हम भी शादी में जाएंगे, क्योंकि उनका भी शायद कोई कहते हैं कि हम भी इनवाइटेड हैं। तो मैं कपड़े वगैरह सब छुपा के रखे हुए, तो मैं ढूंढ के इस्त्री करके रखे हैं, तो तब जाए उनका फोन आया। तो कार्टून देखे नहीं, कार्टून के देख लिया कि आप रेडी हो ना, इस वजह से नीति को छोड़ नहीं रही कि पापा साथ में लेके जाएंगे। जाओ वॉशरूम होके आ जाओ, जाए जाए वॉशरूम होके आ जाए, फिर चले। जूते पहले ना पापा, जाओ वॉशरूम से, जाओ वॉशरूम होके आ जाओ। मैं कह रही हूँ ना कि जो जो कार्टून देखो जाओ, चली जाओ यहाँ से। तो आयत को हम जो है ना इस साइड पर लेकर आए, किचन वाली साइड पर, इनके पापा जो है ना घर से बाहर निकलने की तैयारी में है। आयत ये निकालो, यहाँ पर ये खेल रही है, इसने गेम बनाया हुआ है, तो थोड़ा भूल गया वरना बहुत ज्यादा रो रही थी। तो इसके साथ आज का मैं व्लॉग भी एंड करती हूँ, टाइम काफी हो रहा है, बल्कि 12 बज गए, थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग अभी एडिट किया, अब आयत को जाकर सुलाती हूँ। तैबा को देखे वहां पर नींद आ गई, तैबा ने अपना काम भी सुबह में अपना निपटा लिया था, मुस्तफा देखे अभी अपना काम कर रहा है, इसका जूडो साथ में बैठा है, हमारी आयत अभी तक कार्टून में लगी, इसको सुलाती हूँ। टाइम यहाँ पर देखे 12 बज रहे हैं। तो बाकी इनके पापा के पास घर की चाबी है, वो कभी भी किसी टाइम पे भी आ जाएंगे, अगर हमें नींद भी आ जाए तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके पास चाबी है, वो आ जाएंगे। अपना व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी कल की बातें फिर कल ही करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।